लेकिन बैग बैग सौ साल तक हमारे देश को लूटा, अब हम लूटेंगे। It's 105 right now, and let's just move out and see this beautiful city. Narpalli metro station ke just opposite cross karke agar aap jaoge wahan se seedhe aapko seedhe bus mil jayegi jo aapko charminar chhod degi, and charminar abhi just mere piche hai, main dikhata hu. So tell me something about charminar. Charminar was constructed by Sultan Muhammad Kulli Kutub Shah in the year 1591, and at that point of time he was shifting his capital from Golconda to Hyderabad, and at that point of time his kingdom was suffering from a deadly disease called plague. It's a deadly bacterial disease, and he actually prayed that his kingdom is cleared from this deadly disease, then he will construct a beautiful monument. And especially for this, a Persian architect was hired. And look at this beauty. I don't know if the camera is actually showing or not, but it is actually beautiful, and no doubt why it is famous. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत ये सारी चीज़ें लॉ में आती हैं। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सारे अमेंडमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे अगर आप कुछ डैमेज करते हो तो उस बेसिस पे क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। हार्डली मैटर्स। ये टिकट है चार मीनार में अंदर आने के लिए। चार मीनार बीच में ही आपका ये एक फाउंटेन है जो अभी चल नहीं रहा है। अपनी किस्मत ही ख़राब है, अपन आते तो फाउंटेन नहीं चलता है। वैसे तो अंदर आते समय मुझसे मेरा ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया, बोले कि बाहर आएंगे तो आपको दे दिया जाएगा, अंदर अलाउ नहीं है स्टैंड से रिकॉर्ड करना। एंड आज देखा जाए तो भीड़ अभी फ़िलहाल बहुत कम है अंदर साइड में, बाहर तो अच्छी खासी भीड़ है। और गर्मी गर्मी तो बहुत है। अच्छा हुआ मैंने वाइट टी शर्ट पहनी। अभी अपन आ गए चार मीनार के अंदर, और अंदर बहुत पतली पतली दीवारें हैं लाइक ऐसी। आपको ऊपर चढ़ना है तो इसी में से चढ़ो, तो चलते हैं। ये तो बहुत ऊंचा निकला है यार। और ये आ गए अपन चार मीनार के ऊपर, और यहाँ से देखा जाए तो ये पूरा मार्केट दिखता है। ये एक तरफ का है, उधर साइड का मार्केट ज़्यादा बड़ा है। ये सामने लग रहा है मथुरा का होली गेट है। तो पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू रीड अबाउट द मॉस्क ऑफ चार मीनार। एज आई सेड इट वाज मेड इन 1591। और ऊपर आओगे आपको पूरा हिस्ट्री पता चलेगा कुतुब डायनेस्टी का, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे जगह जगह पे ऐसा लिखा गया है कुतुब डायनेस्टी के बारे में कि कौन कैसा किंग था क्या है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अच्छे से की गई है। चार मीनार के चारों फेस पे चार अलग क्लॉक्स लगे हैं, एंड दीज क्लॉक्स वर बॉट फ्रॉम लंडन इन द ईयर 1889। और इनिशियली इसको एक ईस्टर्न साइड पे इंस्टॉल करने वाले थे, बट एक चार नाम की हारमोनी देखते हुए इसको चारों तरफ इंस्टॉल कर दिया गया। दिस आर सम ऑफ द ग्लिम्सेस हाउ चारमीनार लुक्स एट नाइट। एंड द प्रॉब्लम इज अगर मैं रात में आता तो ऊपर से आपको ये नहीं दिखा पाता, क्योंकि चारमीनार का बंद होने का टाइम 5:30 है। एंड ऑन द अदर हैंड ये जो आपको सामने बाजार दिख रहा है वो भी सुल्तान कुल्ली कुतुब शाह ने बनवाया था। अपनी डॉटर के वेडिंग में इसको स्थापित किया गया था, एंड हर नेम वॉज हयात बख्शी बेगम।
एंड इस मार्केट का नाम लाख बाज़ार है. लाख बाज़ार इसलिए क्योंकि लाख की प्योर चूड़ियाँ यहाँ पे नीचे आपको हैदराबादी मिल जाएंगी. सो दिस वाज़ द हिस्ट्री. ये जो आपको दिख रहा है ये है यूनानी शेफ खाना और इसको लास्ट नज़ीम ने बनाया था 1929 में. एंड ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो यहाँ पे यूनानी मेडिसिंस यूज़ होती हैं वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हैं किसको, अरबिक मेडिसिंस को, ऐसा ही लिखा था यहाँ पे. इसके साथ हम लोग आ गए हैं वापस नीचे. अब मैं जा रहा हूँ अपना ट्राइपॉड लेने सबसे पहले, तो ट्राइपॉड लेते हैं. हो गए हमारे चार मीनार के दर्शन. अब हम लोग कुछ खाएंगे, बहुत तगड़ी भूख लग रही है. हम जा रहे हैं हैदराबाद की सबसे फेमस बिरयानी खाने और वो भी होटल निज़ाम पे. चलो चलते. ये होटल निज़ाम और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि चार मीनार की सबसे अच्छी बिरयानी मिलती है, तो चलिए ट्राई करते हैं. तो अभी हम रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं और मेरी चेहरे की हंसी देख के लग रहा होगा कि मेरे सामने बहुत कुछ अच्छा चीज़ रखा है, दिखाता हूँ. ये है हैदराबाद की सबसे फेमस बिरयानी और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में. इतना खाऊंगा कैसे मैं सोच रहा हूँ, बट मैं खा जाऊँगा सब कुछ. एंड हियर वी गो फॉर द फर्स्ट बाइट ऑफ द डे. यू नो व्हाट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिरयानी का असली मज़ा तो हाथ से आता है. और हैदराबाद से यार साउथ इंडियन जैसे खाएंगे. में लग नहीं रहा था कि मैं खा पाऊंगा, बट वो पूरा का पूरा बिरयानी मैंने खा ली. सो इफ यू आर एवर विजिटिंग हैदराबाद देन डू ट्राई निज़ाम बिरयानी इन फ्रंट ऑफ चार मीनार, मस्ट ट्राई. डैम इट लुक्स गुड. सो विद दिस वी रीच आवर रूम और अब बहुत थकावट हो रही है, नींद आ रही है, थोड़ी देर सोऊंगा. वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय.